नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा एक बार वापस स्वागत करता हूं परीक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसी वैकेंसीज की, कुछ ऐसे भर्तियों की जो कि अक्टूबर महीने के अंतर्गत आ रखी है और आप अपनी योग्यता के हिसाब से उसमें फॉर्म फिलअप करके अपने जो जॉब पाने का जो सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं उन वैकेंसीज की जो सबसे बड़ी चार बेहतरीन वैकेंसीज है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं डिस्कस करने जाऊंगा आप लोगों के साथ, सबसे पहले तो टॉप वैकेंसीज कौन कौन सी है, ठीक है, देन एग्जाम डेट क्या है उनका, फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, एग्जाम फीस क्या है, मिनिमम एज क्राइटेरिया, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आरएसएम एसएसबी सीईटी रिक्रूटमेंट, ठीक है, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो संयुक्त पात्रता परीक्षा है उसकी हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। और इसकी जो एग्जाम डेट है वो 18, 19, 25, 26 फरवरी 2023 के अंतर्गत है। ये जो सीईटी रिक्रूटमेंट है 10th+2 है ना दोस्तों, ये इसमें दे भी रखा होगा आप लोगों को, मैं बता देता हूँ क्वालिफिकेशन, हाँ 10th+2 जो है वो इसकी क्वालिफिकेशन है। और फॉर्म फिलिंग डेट है वो 12 अक्टूबर 2022 से 11 नवंबर 2022 तक है लास्ट डेट। एग्जाम फीस ₹450 फॉर जनरल ओबीसी, ₹350 फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर और ₹250 फॉर एससी एसटी के लिए रखा गया है। एज क्राइटेरिया जो है इसका 18 साल तो मिनिमम है और मैक्सिमम 24 कॉन्स्टेबल के लिए और बाकी अदर के लिए 40 है। मतलब जो जो इस सीईटी के अंतर्गत जो जो एग्जाम्स इन्होंने रखे हैं इस क्राइटेरिया में, इसके दायरे में जो एग्जाम्स है उसमें तो कॉन्स्टेबल के लिए 21 से 24 और बाकी उनके अपने अपने जो पोस्ट के हैं उसके हिसाब से रखा गया है। एजुकेशन क्या है, कैंडिडेट शुड बी प्रोसेस 10+2 डिप्लोमा इन कंप्यूटर साथ में है ना, तो भैया 10+2 ऊंचा पक्का होना चाहिए, मतलब 12वीं पास होने चाहिए, ठीक है। अगली जो वैकेंसी है, अगली वैकेंसी आरएसएम एसएसबी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए है। फॉर्म फिलिंग डेट है 22/9/2022 से 21/10/2022 तक। एग्जाम फीस फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स रेट 450, फॉर बैकवर्ड क्लासेस मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एंड वीकर सेक्शन राजस्थान ₹350, ₹250। देन उसके बाद में मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन दे रखी है बैचलर डिग्री, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक वैकेंसी की हम और बात करें कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, मेरे लाडो इस वैकेंसी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत योगा इंस्ट्रक्टर का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, योगा इंस्ट्रक्टर है ना। फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो अभी मेंशन नहीं है कि फॉर्म कब से फिलिंग करेंगे। एज मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 40 साल है और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। कैंडिडेट शुड बी पासेज बीएनवाईएस एमए एमएससी पीजी यूजी डिप्लोमा इन योगा। अच्छा एक दूसरी बात बता देता हूं, ये तो योगा टीचर की वैकेंसी है ना दोस्तों, ये अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग स्थान के अंदर उनकी जो है पोस्टिंग होगी। लेकिन हाँ एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी है पूर्णतया आप लोगों की पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट टाइम जॉब का मतलब एक तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाया जाएगा। अगर कोई भी मेरा लाडला भाई या बहन इच्छुक हो जिसने योगा का डिप्लोमा कर रखा हो या जो डिग्री दे रखी है उनमें से ले रखा हो तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में मैं पूरा ढंग से जो है एक वीडियो लेके आऊँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रह सकती है, फॉर्म कैसे फिलअप होंगे और क्या क्या है, तो आप नीचे कॉमेंट सेशन में मुझे लिखकर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो है वैकेंसी वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रिक्रूटमेंट के लिए है। ये भी एक पार्ट टाइम जॉब ना होकर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और डेपुटेशन पे है ना, परमानेंट नहीं है ये जो वैकेंसी निकाली है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेस है लिमिटेड पीरियड के लिए और डेपुटेशन के लिए दे रखा है ना। फॉर्म फिलिंग डेट अभी तक लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 20 अक्टूबर 2022, एग्जाम डेट अभी तक नहीं पता। एग्जाम फीस जो है वो क्या दे रखा है, जनरल और ओबीसी है ना, उसके लिए बेटा ₹5,000 फॉर एस एन नंबर 2, 3, 4 और 5, सीरियल नंबर 3500 है, और सीरियल नंबर 6 और 7 के लिए 2,500 और सीरियल नंबर 8, 9, 10 के लिए ₹2,000 रखा गया है। एस एस टी एप्लीकेंट फीस फॉर सीरियल नंबर 1 के लिए 4,000, सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 के लिए 3,000 और 6, 7 के लिए 2,000 और 8, 9, 10 के लिए ₹1,800 रखा गया है। एज मैक्सिमम एज ऑफ प्रोफेसर डेप्यूटी डायरेक्टर, प्रोफेसर डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 56 साल का है, ये डेपुटेशन वाली पोस्ट है बेटा ना। मैक्सिमम एज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकली रजिस्टर्ड 40 साल, मैक्सिमम एज फॉर नर्सिंग ऑफिसर
फार्मासिस्ट, फिजिशियन, मैक्सिमम एज फॉर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट 35 ईयर यानी 35 साल, मैक्सिमम एज फॉर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट 28 ईयर्स, मैक्सिमम एज फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ 25 साल और एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स। तो ये अगर इस वैकेंसी के बारे में आप पूरी सूचना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके बारे में एक बार पूरा सेशन लेके आ जाऊंगा दोस्तों। और साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं ये थी हमारी टॉप 4 वैकेंसी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा हो कि हाँ नॉलेजफुल है, तो दोस्तों अपना प्यार और इसमें बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद है, शुभ रात्रि, राम राम, जय हिंद, जय भारत।